मटिहानी प्रखंड क्षेत्र में बाढ़ की पानी काफी वृद्धि होने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने नयागांव जीतलाल उच्च विद्यालय के समीप एवं खोरमपुर गंगा घाट के किनारे हो रहे कटाव एवं तटबंधों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि गंगा की बाढ़ तो देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मटिहानी प्रखंड क्षेत्रों में मटिहानी अंचलाधिकारी एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पदाधिकारियों को कार्य में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के मवेशियों के लिए चारा एवं अन्य प्रकार के सहयोग जिला प्रशासन करने के लिए तत्पर है। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुधीर कुमार, मटिहानी अंचलाधिकारी मनीष कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरेश सिंह, नयागांव थानाध्यक्ष माधव कुमार, मटिहानी थानाध्यक्ष विवेक भारती, पीएचडी विभाग एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। मटिहानी से गोपाल कुमार की रिपोर्ट, बीटी न्यूज। सर, मटिहानी क्षेत्र में गंगा जलस्तर बढ़ा है, सर आज निरीक्षण करने दिया है, सर किस तरह का सर संभावित बाढ़ की तैयारी के लिए बेगूसराय जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। आज हम लोगों ने मटिहानी के दियरा क्षेत्र का निरीक्षण किया, जो संभावित कैंप की लोकेशंस हैं उनको चिन्हित किया गया। वहाँ पर जो हमारे अंचल अधिकारी और अंचल प्रशासन है उसकी टीम, पीएचडी की टीम, जो बाढ़ नियंत्रण की टीम है, उनको सब लोगों के साथ फिर हम लोगों ने जो कागज़ पर अभी तक अपनी तैयारियाँ की हैं उसको ज़मीन पे उतारने के लिए जो अपेक्षित है कि अगले 4-5 दिनों में गंगा में जो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जो बारिश हुई उसका जल आएगा, तो हम लोग तैयार हैं। जितना भी अगर जलस्तर आएगा उसके हिसाब से हम लोग सभी लोगों को मदद करने के लिए, चाहे जो उनके पशु या मवेशी हैं उनके लिए कैंप लगाना हो, जो लोग अगर विस्थापित हो रहे होंगे तो उनके लिए राहत शिविर चलाना या किचन की व्यवस्था करना, ये सारी तैयारियों का मुआयना किया जा रहा है। और सभी हमारे 7 से 8 अंचल जो गंगा नदी के किनारे में हैं उनमें सभी अंचल अधिकारी और जो प्रखंडों के हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सब लोगों लगातार इसमें कार्य करने के लिए तैयार। सर, कुछ लोगों जो विस्थापित लोगों को सर जमीन उपलब्ध कराने की बात की जा रही थी, सर अभी तक सर जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया जी। उसमें कुछ प्रखंडों में जो पूर्व के बाढ़ आई हैं उनके विस्थापित लोगों की जो बात आपने बताई है वो उस पर कार्य चल रहा है, और उसमें कुछ फाइल्स आई हैं, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन है, वो क्लियर करके उसको जल्दी हम लोग निष्पादन करा देंगे। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, आईटीआई, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।